सलाम जोहार केमचो और सत श्री अकाल। ये बच्चा लोग हमें सूचना दिया था, बताइए। ओ क्रिकेट खेलने का दरमियान सांप देखा, कहाँ पर देखे हैं सांप? ओ हो, अरे रे रे, थोड़ा बेटा आप लोग दूरी बना लीजिए, ये बहुत जहरीला सांप है, इसको हम बाहर कर देंगे, है ना? अरे ये तो रसल वाइपर है, थोड़ा आवाज कैमरा में कह दीजिए। बाप रे बाप, देख रहे हैं कैसा आवाज कर रहा है। हाँ थोड़ा सा आप लोग हमको जगह दे दीजिए, डरिए मत डरिए मत डरिए मत, इधर आ जाइए आप, दूरी बना के देखिए। इसके बारे में ये सांप किसी भी इंसान को अगर काटता है ना तो जहर का असर तुरंत दिखता है, तुरंत। ये काटते ही हीमोटॉक्सिन पॉइजन को छोड़ता है और जहर का असर तुरंत दिखना शुरू हो जाता है। क्या होता है सुन लीजिए, वो जगह फूलना, पीज भर जाना और क्या होता है मांस गैंगरिंग हो जाता है, धीरे धीरे किडनी तक को फेल कर देता है। सबसे अलग दिखने वाला सांप जिसे हम लोग हिंदी में बहरा जोड़ा, बंगला में चंद्र बोड़ा, इंग्लिश में रसल्स वाइपर और एक साइंटिफिक नेम है डोबिया रसुलस। तो आप लोग मैंने क्रिकेट खेलने का दरमियान वहाँ पर देखा गया है ना, देखिए किस तरह आवाज़ करता है, उग्र रूप है। ये बच्चों को ही जन्म देता है, अंडा नहीं देता ये सांप, ये बेबी को जन्म देता है। सबसे अलग दिखने वाला सांप, देख रहे प्रेशर कुकर की तरह आवाज कर रहा है, देखिए सबसे अलग है ये सांप, देखिए। काटने के लिए हर सेकंड बेचैन रहता है, ये तुरंत काट लेता है, पलक झपकते ही काट लेता है। कोई भी सांप किसी भी व्यक्ति को काटता है हॉस्पिटल मेडिसिन डॉक्टरी सलाह, अन्यथा ओझा गुनी के चक्कर में मारा जाइएगा। सांप बचाइए, पर्यावरण बचा रहेगा, सांपों को मारे नहीं, बहुत अच्छा किए हैं। खास करके हमारे बांदा बस्ती का बच्चा लोग सांप मारना ही बंद कर दिया है, ये लोग मारता नहीं है, ये सूचना दे करके हमें बुला लेता है और हम भी आ जाते हैं, चूँकि हमारा एक अभियान है बचाने का। सांप बचाइए, पर्यावरण बचा रहेगा। यूथ से हाथ जोड़ के अपील है कि खास कर को रसल वाइपर को छूना भी नहीं है, छूने का मतलब है साक्षात मौत। आप जी ही छूएगा रेडिएशन, वाइब्रेशन, ध्वनि तरंग, वायु तरंग को ये फील कर लेता है और तुरंत आपका हाथ या पैर जाते जाते ये बाइट कर देगा। देन एंड देयर गो टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ओनली फॉर सरकारी अस्पताल, जहां आदमी को बचाया जा सकता है, भूल से भी ओझा का चक्कर में ना रहे, गुनी का चक्कर में ना रहे, नहीं तो मारा जाइएगा। ठीक है, आप लोग खेलिए, दोबारा अगर सांप दिखे ना फिर हमें सूचना दीजिएगा। तो साथियों इन पढ़ाई करते हैं तो आप ठीक है, ठीक है। बच्चा लोग एक टाइम नहीं खाना है लेकिन स्कूल जाना है, पढ़ना है। तो साथियों बेटी बचाइए, बेटी पढ़ाइए, नारी को सम्मान दीजिए। इन्हीं सब शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत, और हम गर्व से कहेंगे वंदे मातरम।